हेलो एवरीवन आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ कुछ ऐसा लेके जिसमें हम ज्यादातर हमारे स्पोकन और इंग्लिश पे स्पेशली व्हाट्सएप चैट्स पे हम कुछ गलतियां करते हैं जब इन शब्दों को हम यूज करते हैं आजकल कर मैं बहुत देखती हूँ लोगों को ये लिखते हुए दो 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 ओ आई लाइक यू दो आई लव यू दो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके आज के इस वीडियो में मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि दो ऑल दो और इवन दो उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है उसको कैसे सही तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाए ये सब कुछ जो भी हम अभी तक चैट्स में लिखते हैं वो चैट्स तक ठीक है बट क्या हम वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स में बिजनेस इंग्लिश में इस तरह से बातें कर सकते हैं डेफिनेटली नहीं उसके लिए जरूरत पड़ेगी कि हमें एक स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या है उसकी जानकारी हो और जब हमें जानकारी होगी तब हमारे बिजनेस करिस्पॉन्डेंट और हमारी जो इंग्लिश है वो फ्री हो जाएगी यस। yes? तो आज के वीडियो में हम समझते हैं कि दो ऑल दो और इवन दो को सही तरीके से सेंटेंस में कैसे यूज करना है ठीक है चलिए सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे कि दो ऑल दो और इवन दो है क्या दो इवन दो एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन क्या काम करता है कंजंक्शन हमेशा जोड़ने का काम करता है हमेशा ज्वाइन करता है हमेशा कनेक्ट करता है ओके okay? जब हम दो औल दो और दो की बात करते हैं वो भी जो कंजंक्शन वो भी कंजंक्शन ही है जोड़ने का ही काम करते हैं ज्वाइन करने का ही काम करते हैं पर ज्वाइन क्या करते हैं वो ज्यादातर क्लॉजेस ज्वाइन करते हैं और क्लॉज क्या है जो भी सेंटेंस के हिस्से में सब्जेक्ट और वर्ब है वो बन जाता है क्लॉज ठीक है तो जब भी दो क्लॉजेस होते हैं उसको जोड़ेगा ये तीनों शब्द ये तीनों शब्द जोड़ेंगे उसको ठीक है ऑल दो इवन दो दो अब वो कब जोड़ेगा ये तीनों शब्द कब जोड़ेंगे कब जोड़ेंगे जब वो सेंटेंस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है कॉन्ट्राडिक्शन समझते हैं ना कुछ ऑपोजिट आइडियाज हो रही है कुछ कॉन्ट्राडिक्ट्री बातें हो रही है तब हम उपयोग करेंगे दो ऑल दो और दो का तो दो क्लॉजेस हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट्री हैं, उसको जोड़ेंगे ये इनमें से कोई भी एक शब्द या तो आप दो ले लो या तो आप ऑल दो ले लो या तो आप इवन दो ले लो ठीक है इसीलिए दो ऑल दो, 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 दो का इस्तेमाल हम हमेशा कॉन्ट्राडिक्टी सेंटेंसेस में ही करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तीनों शब्द दो ऑल दो इवन दो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है आप उसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं दो की जगह आप ऑल दो यूज कर सकते हैं ऑल दो की जगह आप इवन दो यूज कर सकते हैं इनमें से कोई भी एक शब्द यूज कर लीजिए उसका मतलब बिल्कुल सेम है उसका यूसेज उसका इस्तेमाल बिल्कुल सेम है जैसे आपको भी बताया गया ठीक है सो so, ये गुड न्यूज है ये सिंपल चीजें हैं अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एग्जाम्पल्स देखे बगैर सेंटेंसेस के हमें कोई भी चीज पूरी तरह से समझ नहीं आएगी सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए दो ही स्टडीड हार्ड बट ही ओके? तो सबसे पहले देखिए यहां पे ही स्टडीड हार्ड एक क्लॉज है ही में सब्जेक्ट है ही हमारा सब्जेक्ट है स्टडीड हमारा वर्ब है यहाँ पे फिर से ही हमारा सब्जेक्ट है फेल्ड हमारा वर्ब है तो दो क्लॉजेस हैं जिसको जोड़ रहा है दो। दोनों क्लॉजेस हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं है ना इसीलिए इसको जोड़ रहा है दो अब बात करते हैं बट की क्योंकि ये ज्यादातर एरर हम मैं देखती हूं जब भी हम दो को यूज करते हैं ना हम बट कभी यूज नहीं कर सकते ओके सो दो ही स्टडीड हार्ड बट ही फेल्ड क्योंकि बट भी एक कंजंक्शन है जो कॉन्ट्राडिक्शन बताता है है ना और दो भी एक ऐसा कंजंक्शन है जो कॉन्ट्राडिक्शन बताता है तो दोनों कंजंक्शन जो कॉन्ट्राडिक्शन बताते हैं अगर हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो डबल कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा विच इज नॉट करेक्ट जो बिल्कुल सही नहीं है तो जब भी आप दो का इस्तेमाल करते हैं आप कभी भी बट का इस्तेमाल मत करना तो बट के जगह हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं बट के जगह हम कह सकते हैं येट येट बिल्कुल सही है सो दो ही स्टडी हार्ड येट ही फेल्ड परफेक्ट एब्सोल्यूटली करेक्ट या आप सिर्फ एक कॉमा लगा दीजिए दोनों के बीच एक कॉमा लगा दीजिए दोनों के बीच है ना दो ही स्टडी ढार कॉमा ही फेल्ड ये भी बिल्कुल सही है पर बट बिल्कुल सही नहीं ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं ऑल्दो माई ग्रैंड मदर इज वेरी ओल्ड शी कैन स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस माई ग्रैंड मदर सब्जेक्ट इज वर्ब शी सब्जेक्ट रीड वर्ब हेल्पिंग वर्ब ओके शी कैन स्टिल रीड अब दोनों क्लॉजेस हैं जिसको जोड़ रहा है ऑल्दो और क्यों जोड़ रहा है क्योंकि दोनों क्लॉजेस में कॉन्ट्राडिक्शन है इसीलिए ऑल दो उसे जोड़ रहा है अब इसमें आया एक कॉमा जो बिल्कुल सही है ठीक है थर्ड एग्जाम्पल देखिए इवन दो ही लेफ्ट होम अर्ली ही लेट ही सब्जेक्ट लेफ्ट वर्ब ही सब्जेक्ट अराइव्ड वर्ब टू क्लॉजेस कनेक्टेड बाय इवन दो और दोनों क्लॉजेस कॉन्ट्राडिक्शन बता रही है इसीलिए कनेक्ट किया है इवन दो ने उसको और सेपरेट कर रहा है एक कॉमा जो बिल्कुल सही है अब लास्ट सेंटेंस बताइए लास्ट, लास्ट सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है लास्ट सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है कैमरा में थोड़ी सी हो रहा था लास्ट सेंटेंस ध्यान से देखिए तो एक क्लॉज हो गया ही गॉट द बेस्ट मेडिकल केयर एक क्लॉज हो गया ही डाइड ही सब्जेक्ट डाइट वर्ब दूसरा क्लॉज हो गया दोनों कॉन्ट्राडिक्शन बता रहे हैं इसलिए हमने ओल्डो का यूज करा है और अब क्या होगा हमको ये दोनों के बीच या तो हम कॉमा लगा देंगे ठीक है या तो हम येट लगा देंगे दोनों ही करेक्ट है या तो येट में से कोई भी एक चीज होनी जरूरी है तो इस तरह से हम दो ऑल दो और इवन दो को सही तरीके से यूज कर सकते हैं ओके या तो आप येट लगाइए बट बिल्कुल ना लगाए और क्लॉजेस को जोड़ने में उसका यूज करें आई लव यू दो आई लाइक यू दो ही ये सब ठीक है स्लैंग के लिए स्लैंग इंग्लिश के लिए ये सब कुछ ठीक है ओके बट बिजनेस इंग्लिश फॉर्मल इंग्लिश में इसी तरह से हम इसको इसका इस्तेमाल होता है ये तीनों शब्दों का मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये पूरी तरह अच्छे से समझ चुके हैं ओके और एक एक्शन लेते हैं एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा जिसका आप मुझे आंसर देंगे कमेंट करके ठीक है प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरे वीडियोस और मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है ठीक है तो दे दे आर रिच लीड सिंपल लाइफ अब इसमें क्या प्रॉब्लम है इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है अब इस, वो कुछ तो कुछ तो तो एरर है है गलती और उस गलती को कैसे सुधारी जाए वो आप कमेंट करेंगे सही सेंटेंस लिख के और मैं उसे पढ़ूंगी और सुधारूंगी और अगर सही होगा तो जरूर आपको एक लाइक like या एक अपलोड भी दूंगी ठीक है तो अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आया है तो प्लीज जरूर लाइक like कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वो बल बेल बटन है ना उसको जरूर हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे क्योंकि मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ इस तरह का डालती रहती हूँ जिससे आपकी इंग्लिश को हम और भी बेहतरीन बना सके ठीक है फ्रेंड्स सो थैंक यू सो मच आज के वीडियो में इतना ही अगले हफ्ते फिर मिलेंगे थैंक यू गुड बाय